अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राशिद मेहर और आप देख रहे हैं डिस्कवर टीवी। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मलीर की मवेशी मंडी में। मलीर की मवेशी मंडी आपको पता है कि किस जगह पर है। अगर आप शहर से आ रहे हैं तो शारा फैसल से जब एयरपोर्ट से आएंगे तो आपको मलीर 15 से लेफ्ट पर टर्न होना है। अगर आप भैंस खाने की साइड से आ रहे हैं तो आपको राइट पर मिलेगी ये। तो आइए चले, आपको दिखाते हैं यहाँ कैसे जानवर हैं, क्या रेट्स हैं यहाँ पे। तो चले आइए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के व्यापारी, एक तो उनसे पूछते हैं कि इस वक्त क्या पोजीशन है यहाँ पे और किस तरह जानवर आ रहे हैं, कितने जानवर हैं, क्या रेट्स चल रहे हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जानवर अभी आएंगे 20 तारीख को आएंगे। 20 तारीख से आएंगे। जी जी। तो रेट्स वगैरह क्या है? रेट अभी मुख्तलिफ रेट हैं। ये इस वक्त 50,000 रुपये की बची है। अच्छा चाचा, मुझे ये बताएं कि पिछले साल जो रेट्स थे वो इस दफ़ा होंगे इससे ज़्यादा होंगे? इससे ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे? पेट्रोल सस्ता हो गया है। पेट्रोल का बात नहीं है, ये चुंगी हैं, टैक्स हैं वगैरह, सिंध से माल आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, इसमें टैक्स लग रहे हैं, किराया गाड़ियों का बढ़ रहा है। नहीं तो जब पेट्रोल सस्ता हो गया तो आपको रेट भी कम करने चाहिए। नहीं रेट नहीं है कम, टैक्स बहुत है। क्योंकि हम देखते हैं पेट्रोल बढ़ता है तो फौरन एकदम से कीमत बढ़ जाती है। नहीं वो बात नहीं है, माल का कमी है, कुछ माल बाहर जा रहा है गोश्त। जी जी। अच्छा बाहर भी जाता है यहाँ से? हाँ दुबई जा रहा है गोश्त। दुबई जाता है? तो नाज़रीन सुना आपने, यहाँ से दुबई जाता है गोश्त। और अच्छा कब तक? 20 तारीख तक बोला आपने जानवर आने का। कैसे हैं सर आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हम करम। कहाँ से हैं सर? हम लाड़काना से सर। तो आप 12 महीने यही होते हैं या? नहीं 6 महीने कारोबार, 6 महीने गांव में। तो इस वक्त कारोबार की क्या? बस सही है, इस टाइम नॉर्मल ही है। नॉर्मल है जी। तो क्या आप देखते हैं कि इस साल रेट्स वगैरह क्या होंगे पिछले साल के? अल्लाह मालिक है, अभी तो कहा कुछ नहीं जा सकता है क्योंकि है तो नसीब की बात। अभी तो टाइम पड़ा हुआ है कि पहले ही कह दें तो अल्लाह मालिक है, जो भी होगा तो अल्लाह अच्छा ही करेगा इंशाल्लाह। तो आपका माल वगैरह कब आएगा अभी कुछ? हमारा माल तो तकरीबन जो कुर्बानी का है वो तो 1 महीने में आ जाएगा, बाकी जो कट्टू का है वो कर रहे हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा चाय भाईजान, इसके रेट बताएंगे आप मुझे? ये भाई बेच रहा है 53 का, 50 वाला। अच्छा हेलो हेलो असद है खाते बोलो। तो नाज़रीन आपको हम मज़ीद रेट्स बताते हैं आगे क्या रेट्स चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कहाँ से हैं सर आप? हम मुबाड़ों से, डिस्ट्रिक्ट घोटकी। घोटकी से हैं। तो इस वक्त क्या पोजीशन है यहाँ की, क्या रेट्स हैं? रेट सही हैं, सही चल रहे हैं, कोरोना की वजह से थोड़े कम हैं, बहरहाल इंशाल्लाह मंडी तेज़ हो जाएगी इंशाल्लाह। तो कहाँ से माल आता है आपका? हमारा घोटकी से, मीरपुर माथेलो से। तो किस तरह देख रहे हैं आप, क्या इस दफ़ा हालात होंगे, क्या होगा? इस दफ़ा इंशाल्लाह अच्छा होएगा बाजार, बाहर जा रहा है बहुत माल, सऊदीया दुबई कुर्बानी का भी इस हफ्ते लाएंगे इंशाल्लाह। सही नहीं अदा क्यों? तो बस महंगी बढ़ती चढ़ जाइए। अच्छा। हमारा माल बिक नहीं रहा। बिक नहीं रहा? नहीं बिक रहा। तो आप महंगा दे रहे होंगे इसलिए नहीं बिक रहा? महंगा रहा है, 18,000 मन चला रहे हैं, कहाँ महंगा चला रहे हैं। कुर्बानी के लिए कब लाएंगे जानवर? कुर्बानी के लिए वो पहली तारीख लेके आएंगे। पहली तारीख जी। इसके 45,000 आधा। और इसके बराबर वाली के? उसके 50। और उससे बराबर वाली? उसका 40 आधा। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं ये 50,000 रुपये की है, और जिस तरह आपने सुना तो ये यहाँ के ये कट्टू माल है कुर्बानी का इंशाल्लाह। ये भी कह रहे हैं कि पहली तारीख को आएगा माल। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं किस खुशी में खा रहे हैं सर अभी? अल्लाह के नाम कहता, अल्लाह के नाम की खा रहे हैं माशाल्लाह से, हमें भी खिला रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे। आप देख सकते हैं मोहब्बत इनकी भाइयों की हमारी। भाई हैं आगे का पता नहीं है। अच्छा जी। तो आपने खरीद के रखे हैं वैसे? अभी लिए नहीं है, लेंगे अभी। अच्छा अच्छा। तो आप क्या देख रहे हैं कि रेट वगैरह क्या होंगे, मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ। अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा, पिछले दफ़ा तो आपको पता होगा मंडी गिर गया था पहले। अच्छा, तो यानी पिछले साल की नस्बत इस वक्त ज़्यादा हो सकते हैं? हो सकता है। अच्छा हाँ, कन्फर्म तो नहीं बता सकते, हो सकता है कम भी हो जाए।
जिस तरह आप देख रहे हैं हालात ऐसे हैं लॉकडाउन के हिसाब से, तो लग रहा है पीछे ही जाएगा मंडी। चले बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। लेकिन माल इधर भी कम है, आगे भी कम है, आगे भी कम मिल रहा है, इधर भी कम है, ज़्यादा कम है। तो क्या देखते हैं आप पिछले साल की नस्बत इस वक्त? पिछले साल बंदे माल उधर बेच रहे हैं, इधर कम लेके आ रहे हैं। अच्छा। खर्चा ज़्यादा है इधर, खर्चा ज़्यादा है, खर्चा भी ज़्यादा है, लेकिन इधर जगह भी नहीं है। लेकिन लॉकडाउन है, लॉकडाउन के लिए बंदे नहीं आ रहे हैं, माल कम लेके आ रहे हैं। पहले हम लोग माल 50-60 लेके आता था, एक जगह 30-35 लेके आ रहे हैं। तो अभी ये मुझे इसके प्राइस बताएंगे आप इसके? कितने का है ये? नाज़रीन आप देख सकते हैं ये अभी खीरा है, और ये कितने का दे रहे हैं आप अभी? अच्छा बेचना नहीं है, तो देख सकते हैं नाज़रीन माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है ये बछिया है, ये अभी खीरी है। इसके देखें नाज़रीन 65,000, उसके बराबर वाले के 75,000 रुपये है, और ये छोटे बछिया खीरा है। ये हमारे माल बहुत कम पीछे आ रहे हैं लॉकडाउन, इस वजह से माल कम आ रहे हैं, महंगा मिल रहा है, महंगा मिल रहा है। 48,000 रुपये की नाज़रीन देख सकते हैं आप ये, और ये वाले ये भी 48, ये भी 48,000 रुपये की है, और वो ये 55, ये 55 की है, ये कट्टू जानवर हैं। अच्छा दो नहाते हैं सब, ये खीरी हैं। अच्छा ये सारी खीरी हैं नाज़रीन देख सकते हैं आप, अगर आपको ज़रूरत है आप पाल सकते हैं, ले जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं। तो नाज़रीन देख सकते हैं आप बहुत ही खूबसूरत जानवर यहाँ पे मौजूद हैं, और हमारी कोशिश है हम आपको रेट वगैरह देते रहें, अपडेट देते रहें। आपका ये वाइट वाला? क्या हालात हैं इस वक्त? माशाल्लाह जानवर तो बहुत खूबसूरत हैं आपके पास। माल भी महंगाई है बहुत भाई। अच्छा ये कट्टू हैं या आप कुर्बानी के लिए लेकर? कुर्बानी है, कुर्बानी है। माशाल्लाह। तो क्या रेट्स हैं, मुझे कुछ रेट बताएंगे आप? ऐसे कीमत 1,00,000 का है। ये कितने का है? ये 2,00,000 का। तो नाज़रीन देख सकते हैं 2,00,000 रुपये का है, और इसके बराबर में ब्लैक वाला 1,20,000 का, 30,000 का। तो चाचा इस वक्त क्या देखते हैं आपके पिछले साल की नस्बत इस साल? ये सर बहुत तेज जाएगा। तेज जाएगा? आप अभी से कह रहे हैं? हाँ। अच्छा हाँ भाई, कोरोना लगा हुआ है, माल पीछे है का ना, डर रहे हर कोई। हाँ मनी तेज जाएगी माशाल्लाह से, बहुत ही हैवी बुल है ये, और इसके 2,50,000 रुपये इन्होंने कहा है, 2,50,000 रुपये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप जानवर लेने आए? हाँ लेने आए। तो क्या देख रहे हैं आप, कोई हुआ रेट वगैरह आपके? तो देखते हैं ना अभी, तो कभी कोई 4,00,000 बोलते हैं, कोई 3,00,000 बोलते हैं, तो देखते हैं इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। कुर्बानी के लिए लेने आए हैं? कुर्बानी के लिए। इतनी जल्दी आप लेने आए? सवाब मिल जाएगा हमारे लिए, 2 महीने पालेगा तो सवाब मिल जाएगा। क्या कहते हैं आज आपको मिलेगा नहीं मिलेगा? इंशाल्लाह मिल जाएगा, कोशिश करते हैं। आप कहाँ तक लेना चाह रहे हैं? हम तो देखते हैं 1,40,000-1,50,000 मिल जाएगा तो इंशाल्लाह। नाज़रीन आपने देखा ये लेने आए हैं, और कह रहे हैं कि 4,00,000-3,00,000 रेट चल रहे हैं इस वक्त, तो हमारी दुआ है कि आपको मिल जाए। अच्छा क्या कहते हैं आपके भी ईद तक माल महंगा होगा या कहाँ? यार जो पोजीशन है तो ये तो महंगा हो जाएगा। हाँ ये जो पोजीशन है तो महंगा हो जाएगा, अभी कोशिश करते पहले ले ले, अब अच्छा भी अच्छा हो सकता है बाद में मंडी गिर जाए। हाँ तो बारिश है ये चीज़ आ जाएगा तो फिर तो मंडी लाजमी गिरेगा, जैसे पिछली मरतबा गिरा था है, तो क्योंकि आपको पता है कि सुपर हाईवे पे मंडी लग रही है। सुपर हाईवे भी मंडी लग रहा है ना, वो भी खूबसूरत मंडी है। अच्छा। ये भी सालों वाला मंडी है, पूरा साल चलती है। कहीं आप यहाँ से ले लें फिर बाद में रेट गिर जाए आप बोले, वो तो किस्मत की बात है, हम तो कुर्बानी करते हैं, नसीब की बात है। नाज़रीन देखा है कि ज़ाहिर बात है जो नसीब में होता है वही जानवर आता है आपके लिए कुर्बानी के लिए। जानवर हैं आपके पास चारों, मुझे एक ही साइज़ के लग रहे हैं, कौन सी नस्ल है सबसे पहले तो बताएँ आप? 2 साई वाले, ठीक है, 2 शेखवान की मंडी के हैं। उनके प्राइस बताएंगे मुझे? छोटे जो जोड़ी वाले हैं वो 2,70,000 के हैं, ठीक है, वो जो बड़े हैं वो 5 के हैं। 5,00,000 की जोड़ी और ये 2,70,000 की जोड़ी की, सही है। तो इनका वज़न क्या होगा? जो बड़े खड़े हुए उनका 7.5 मन है, एक 7.5 मन है, एक 7 मन है।
तो स्पेशल कुछ खिलाते हैं आप इसको? जी जी, दाना आता है इनका, कर्रा हर चीज़, खली मल्ली। इस तरह अभी गर्मी है तो आप क्या खिलाते हैं पिलाते हैं इतनी गर्मी में? इतनी गर्मी में इन्हों का वंडा तो वही हो जाता है सर। अच्छा, वंडा वही है। वही है, पानी वगैरह ज़्यादा में खड़ा करते हैं, धूप में, धूप से हटाते हैं जानवर, धूप में खड़ा होना सही नहीं है उसके लिए। रेट के हालात ऐसे तो मंडी पीछे से गर्म है सर, पीछे से तेज़ है, महंगी है मंडी। इसलिए तो हम जो भी यहाँ लेके आते हैं तो लोग बोलते हैं ये इतने का थोड़ी मिलेगा, ये इतने का पीछे से होता है, ये हम बोलते हैं क्या करें, हम ग्राहक के साथ फिर भी चलना पड़ता है, 5,000-10,000 घाटा भी खाना पड़ता है, कहाँ पे नफा ही मिल जाता है। ये तो समझो मंडी का असूल है, चलता ही रहेगा। बताइएगा सर आप रेट कितने हैं इसके? 220 मांगते हैं, फाइनल जो है 190 का देंगे। अच्छा, ये 190 का दे देंगे। नाज़रीन आप देख सकते हैं मेरी हाइट से अंदाज़ा लगा लें आप, माशाल्लाह से मुझसे भी बहुत ऊँचा है ये, और इस वक्त बहुत मुनासिब लग रहा है मुझे। जिस तरह मैंने मार्केट देखी 1,90,000 रुपये। नस्ल कौन सी है सर? नस्ल ये सिब्बी है सर। सिब्बी है, तो ये 2 दांत है, 4 दांत है? चार दांत है। तो नाज़रीन 4 दांत हैं, आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि 6 दांत का 8 दांत का होगा, लेकिन ये 4 दांत है, और मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा। और इसकी देख रहे हैं आप खूबसूरती, जो ब्लैक कलर इसका नज़र आ रहा है, शेड जो दिया हुआ अल्लाह ताला ने आँखों में और थाई पे, बहुत खूबसूरत लगा। 20 जानवर है, कट्टू हैं या कुर्बानी के लिए? कट्टू हैं। इसके मुझे रेट बताएंगे आप? इसके 75,000। नाज़रीन देख सकते हैं 75,000 रुपये का है। आप महंगाई दो रोज भाई, ये अभी बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं? जी जी। गोश्त जा रहा है, जानवर जा रहा है? गोश्त जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं बाहर? दुबई। दुबई जा रहे हैं। लेने आए जानवर? जी सर, जानवर लेना है। कुर्बानी के लिए आए वैसे? जी कुर्बानी के लिए, घर के लिए। तो क्या देखा आपने, रेट कैसे हैं, सस्ता है महंगा है? सर अभी के मुकाबले में और पिछले साल के मुकाबले में 20,000 रुपये का फर्क है। फर्क है, जो हमने पिछले साल 80,000 का लिया था घर की कुर्बानी के लिए, वो इजाफा 1,20,000 का भी नहीं मिल रहा। आप सुन सकते हैं कि 20,000 रुपये डिफरेंस आ गए हैं। अब हम तो यही जहन बना कर आए थे कि 80,000 रुपये लेके ये तो हाथ भी नहीं रखने दे रहे हैं व्यापारी लोग, जो इन्होंने महंगाई कर रखी है। अच्छा। क्या बोल सकते हैं तो आप क्या कहते हैं कि पेट्रोल भी कम हो चुका है फिर भी लोग? भाई मैं तो कह रहा हूँ पेट्रोल के साथ साथ ये जो गोश्त का भी वजन कम करना चाहिए, गरीब आदमी 1 पाव गोश्त, 1/2 किलो गोश्त खाने वाला कहाँ से गोश्त खाएगा? नहीं, जिस तरह हम देखते हैं 5 रुपये पेट्रोल बढ़ गए तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। अभी माशाल्लाह से 35 रुपये तकरीबन कम हुए हैं, लेकिन किसी चीज़ में 1 रुपया कम नहीं हुआ, क्या कहेंगे? कम होने चाहिए, जब पेट्रोल पर हो रहा तो चीनी वगैरह सब चीज़ों पर सर कम होना चाहिए ना। मैं यही तो मिसाल दे रहा हूँ, गरीब आदमी गोश्त 1/2 किलो खाता है, 3 पाव खाता है, वो पूरे घर में 8 अफराद हैं 1/2 किलो गोश्त खा रहे हैं, गोश्त क्या किलो 300 रुपये का, एक टाइम की अंडिया मतलब 1,000-1,200 रुपये की महंगाई हो रही है। इमरान भाई की मेहरबानी है सारी कुछ, और कोई बात नहीं। इमरान भाई नीदम बहुत खुश थे। अच्छा, इमरान भाई नीदम बहुत खुश थे जब से आए हम, कर्जदार हो गए, BC भरना, घर करना, किराए का घर है भाई, गुजारा नहीं होता, साफ सी बात ये। तो इमरान खान यानी आपको पसंद नहीं आए? पसंद इंसानियत के तौर पर तो पसंद है, लेकिन हुक्मरानी की वजह से पसंद नहीं भाई। नाज़रीन आपने देखा इस वक्त मैं मौजूद था मलीर मवेशी मंडी में, और मेरी कोशिश यही है कि हमारी कोशिश है ये डिस्कवर टीवी की आपको इन्फॉर्मेशन दें। तो ये हमारी पहली वीडियो थी 2020 की, और आपने व्यापारी सुना कि क्या कहा उन्होंने, कितने वो खुद कन्फ्यूज़ हैं कि कुछ बता नहीं सक रहे वो कि इस वक्त क्या रेट होंगे, कैसे रेट होंगे आगे के। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आपको अपडेट देता रहूं, इन्फॉर्मेशन देता रहूं कि क्या रेट हैं, कौन सी मंडी में क्या रेट चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका देखने का, थैंक्स फॉर वॉचिंग।